हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु, सलाम नमस्ते सस्याकाल। आज मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ, बड़ी वीडियो वायरल हुई हुई है इंडिया में कि लड़की वालों को जो है लड़के वालों ने कूटा, सिर्फ खाने में गोश्त ना देने या मछली ना देने की वजह से उन्होंने मारा। वाकया ऐसा हुआ कि लड़के वाले बारात लेके जो है वो लाजिम बात है लड़की वालों की ही प्लेस या घर पर जाते हैं या फिर वो हॉल वगैरह, तो वो बारात लेके गए भाई, तो खाने में उनको जो है वो सब्ज़ी वगैरह और इंडिया में जो पनीर वगैरह वो दे दी गई। जब सामने उनकी चीज़ें रखी तो उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने जो है फिर इनको कूटा। सिर्फ जो है वो गोश्त ना मिलने के ऊपर उन्होंने लड़के वालों ने मारना शुरू कर दिया, और लड़की वालों ने फिर रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस में कि हमने इनको 5 लाख गाड़ी के, यानी कि जहेज के दिए, गाड़ी के लिए 20,000 अंगूठी के भी दिए, उसके बावजूद इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, हमें बड़ा मारा। कॉल लड़के वालों के हमने इनको बता दिया था कि हम खाने में गोश्त खाएंगे, शायद बड़े अरसे से उन्होंने गोश्त नहीं खाया होगा, तो उन्होंने बारात में कहा था कि हमने मछली और गोश्त वगैरह की इनसे डिमांड की थी, जब हम बारात में आए तो पनीर और सब्ज़ी वगैरह थी। देखो, 5 लाख गाड़ी के भी दिए, 20,000 अंगूठी के भी दिए, लेकिन उन्होंने गोश्त के मामले में अपनी इतना बड़ा इज्जत का मामला समझा कि बड़े अरसे बाद हमारे ख़ानदान वाले हम लोग जो हैं वो गोश्त खाएँगे, उनको गोश्त जब नहीं दिखा तो उन्होंने 12। लड़की और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, हमने 5 लाख गाड़ी के दिए, 20,000 जो है गुटी के दिए, और उसके अलावा इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की। ओ भाई, आपकी बचत हो गई है, आपकी किस्मत अच्छी थी। अगर आज सोचो, आप लोगों को उसने इतना मारा है ये सिर्फ गोश्त ना मिलने के ऊपर, अगर आपकी बेटी की शादी हो जाती तो सोचो उसका वो क्या हाल करता वो बंदा। तो आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इंडिया वालों को, उनको तो भगवान का शुक्र है, यानी कि अल्लाह का शुक्र अदा करें आप लोग कि आपकी लड़की बच गई है। बाकी यार, गोश्त ना मिलने के ऊपर यार, तो बस दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, पाकिस्तान में तो हर शादी में, चाहे मोहल्ले की हो, हर लेवल की शादी हो, अमीर गरीब जो भी लेवल की शादी हो, पाकिस्तान में तो गोश्त मस्त होता है। तो दुआओं में याद रखिए, गोश्त ना मिलने के ऊपर मारा। अस्सलाम वालेकुम।